औरैया जिला के अलग अलग थानों में पुलिस द्वारा जनता एवं कार्यकर्ताओं की पिटाई से नाराज जिला पंचायत अध्यक्ष औरैया दीपू सिंह रजावत ने डीएम अभिषेक सिंह के सामने पेश होकर कहा कि अगर कार्यकर्ता पिटेगा तो हम थाने में घुसकर फैसला करेंगे। यह कार्यकर्ता एवं जनता को बेवजह पीटा जा रहा है। एवं हाल ही में नगर के मोनू वाजपेयी को पुलिस ने मार मार कर भर्ता बना दिया और अयाना थाने में भी पुलिस का रवैया बहुत खराब है। और दिव्यापुर की बबाइन चौकी पर नायक समाज के लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट की। अयान थाने की तो यह पोजीशन है कि पुलिस के सानिध्य में वन विभाग की लकड़ी काट कर ईंट भट्टा पर बेची जाती है और अगर गरीब व्यक्ति चार रोटी पकाने के लिए लकड़ी काटता है तो उस पर 10,000 रिश्वत लेती है। पुलिस नहीं देते हैं तो 151 में चलान कर दिया जाता है। पुलिस का थाना अछलगा अयान दिव्यापुर और बाबाइन चौकी पर गंभीर आरोपी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह ने औरैया पुलिस पर लगाया मनमानी करने का आरोप। दोषी पुलिस वालों के खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच के लिए लिखा पत्र। औरैया संवाददाता एस के यादव की स्पेशल रिपोर्ट। अगर लड़ेगा और कार्यकर्ता पिटेगा तो हम थाने में घुस के फैसला करेंगे और थाने में घुस के वो फैसला कर रहे हैं। यहाँ जनता और कार्यकर्ता पिट पिट के दुरुस्त किए जा रहे हैं। एक दफे नहीं पिटा, एक दफे यहाँ नगर में मोनू वाजपेयी का भर्ता पुलिस ने बनाया था, आज यहाँ और जो है पूठा गाँव में भर्ता बनाया है, कहीं अछलता में भर्ता बनाया गया है, अछलता में भी मारे जाते हैं और कहीं दिव्यापुर की एक चौकी है बबाइन मुझे नायक समाज याना थाने की तो जब पोजीशन है, याना थाने की तो ये पोजीशन है कि जो पुलिस के सागर्द में जो मछली बेचे वो बेच सकत, जो पुलिस की सागर्द में लकड़िया वन विभाग की काट है वो भट्टन को बेच सकत, किसी किसान ने अगर चार रोटी पकान के लाई लकड़िया ले ली तो बाको हाल 151 में चालान या 10,000 रुपया दे। इस प्रकार की याना थाने की व्यवस्था चल रही है और एक थाना की व्यवस्था नहीं चल रही, तमाम थाने की यही प्रकार की व्यवस्था चल रही। आप हमारे जनपद के मजिस्ट्रेट हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मजिस्ट्रेट जांच को आप आदेश करें, यदि आप नहीं करें तो हम सबको लेके अभी इसी बस धरना पे बैठेंगे जाकर।